यूपी भी बात कर लेते हैं उसकी, क्योंकि ये भी बेहाल है ये प्रदेश। लखनऊ में जब कोरोना के रिकॉर्ड केस सामने आए तो 24 जुलाई तक वहां के 4 थाना क्षेत्रों में लॉकडाउन लगा दिया गया। देखिए कोरोना पर यूपी का हाल। कोरोना की रफ्तार तेज हुई तो आसमान में ड्रोन उड़ने लगे। बाराबंकी का प्रशासनिक अमला सड़कों पर है। कंटेनमेंट जोन में डीएम और एसपी ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां तो नहीं उड़ा रहा। बाराबंकी में कल 12 नए मरीज सामने आए हैं। प्रयोग किया है एक ड्रोन का देखने के लिए, क्योंकि कंटेनमेंट जोन के अंदर सामान्यतः बाहर से लोग को नहीं जाना चाहिए, और ड्रोन इस वजह से हवाई सर्वे किया हुआ कंटेनमेंट जोन की जो परिधि है उसके अंदर देखा गया कि पालन हो रहा है कि नहीं कंटेनमेंट। बाराबंकी में कोरोना का खौफ ऐसा है कि इलाज करने की जगह डॉक्टर अस्पताल भागने लगे हैं। आरोप है कि मेयो अस्पताल के 2 डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ कोरोना संक्रमित मरीज का इलाज करने की जगह चुपके से भाग खड़े हुए। सभी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। यूपी की राजधानी लखनऊ का हाल देखिए। सीएम कार्यालय में कोरोना आ गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के सोशल मीडिया टीम में 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद से पूरे सीएम कार्यालय लोक भवन को रोजाना 4 से 5 घंटे तक सैनिटाइज किया जा रहा है। यूपी में कोरोना को काबू में करने के लिए सीएम योगी लगातार कोर 11 टीम की बैठक कर रही हैं। लखनऊ में कल कोरोना के 392 नए केस मिले। इसे देखते हुए लखनऊ के 4 थाना क्षेत्रों गाजीपुर, इंदिरा नगर, सरोजनी नगर और आशियाना के सभी इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर 24 जुलाई तक के लिए वहां लॉकडाउन लगा दिया गया है। हम इस वक्त भूतनाथ मार्केट में मौजूद हैं। लखनऊ के 4 थाना क्षेत्र इंदिरा नगर, गाजीपुर, सरोजनी नगर और आशियाना इलाके के जो थाना क्षेत्र के जो इलाके हैं उनको पूरी तरह से कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर केवल मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर खुले रहेंगे इन इलाकों में, और बाकी जो सेवाएं हैं वे पूरी तरह से बंद रहेंगी। यूपी उन राज्यों में है जहाँ कोरोना केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में यहाँ कोरोना के 2250 नए मरीज सामने आए हैं। यहाँ कोरोना के कुल केस बढ़कर 49,247 हो चुके हैं, जबकि 29,845 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 1,146 मरीजों की मौत हो चुकी है। और लगातार सरकारें भी जहाँ ज्यादा केसेज मिल रहे हैं वहाँ लॉकडाउन उन क्षेत्रों में कर रही हैं, और जो भी सर्विलांस है, घर घर सर्वेक्षण है, और उत्तर प्रदेश में जो घर घर सर्वेक्षण हुआ है उसमें 1,40,000 के आसपास लोग जुखाम, बुखार इन सबसे संक्रमित मिले, जिसमें से 47,000 लोगों के जो सैंपल हैं वो टेस्टिंग के लिए भी गए हैं। तो लगातार सरकार पूरी तरह से सचेष्ट है और उस पर काम कर रही है, और इसके कोरोना के लिए जितना भी सतर्कता आवश्यक है वो सबका हम सब पालन करें, और सरकार अपनी तरफ पे युद्ध स्तर पे इस पे काम कर रही है। आज हमने ये देखा है कि जब केसेस की संख्या बढ़ी है, लखनऊ में रिकॉर्ड केसेस आए हैं, आज उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड केसेस आ जाए हैं, रिकॉर्ड मौतें हुई हैं, तो इसमें जब ये सामने आ रहा है तो दिख रहा है कि किस तरीके से पूरी व्यवस्था चरमरा करके ढह रही है। जब दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात दूसरे राज्यों में कोरोना की रफ्तार तेज थी तब यूपी में ये काबू में नजर आ रहा था, लेकिन अचानक आई तेजी ने चिंता बढ़ा दी है। इससे निपटना सरकार के लिए मुश्किल चुनौती होगी। बाराबंकी से सैयद रेहान मुस्तफा के साथ नीलांशु शुक्ला और शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।